एपिसोड 12 की शुरुआत में हम फ्लाइट 828 को बिजली के तूफान में उड़ते हुए देखते हैं। मिकेला ने बेन और केल से पूछने की कोशिश की कि क्या वो ठीक हैं, लेकिन बेन और केल को मिकेला की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर डरी हुई मिकेला ने दूसरे पैसेंजर से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ फ्लाइट अटेंडेंट बेथनी ने ही उसे जवाब दिया। मिकेला ने देखा कि प्लेन की छत पर से खून टपक रहा है। तभी जीक ने मिकेला को उसकी कॉलिंग से जगाया और मिकेला ने ये सारी बात जीक को बताई। इधर बेन के घर पर बेन इस प्लानिंग में लगा हुआ था कि वो यूरेका में घुसकर उस डेल्फिन को डिस्ट्रॉय कैसे करे। तभी मिकेला ने बेन को कॉल करके उसकी कॉलिंग के बारे में बताया। बेन ने कहा कि उसे इस तरह की कोई कॉलिंग नहीं आई। यह सुनकर मिकेला समझ गई कि उसे बेथनी से मिलना होगा। इधर यूरेका में केल ने वेंस से उस डेल्फिन पर किए जा रहे टेस्ट रोकने के लिए कहा। वेंस ने सीधा बेन को कॉल लगाकर उसे बताया कि केल यूरेका में है। इधर ओलिव ने उस एंकल मॉनिटर पर रिसर्च की कि कैसे वो बिना पुलिस को पता चले उस मॉनिटर को बेन के पेट से निकाल सकती है। ओलिव ने बड़ी ही सावधानी से उस मॉनिटर को बेन के पेट से निकाला और उसे अपने पैर पर लगा दिया ताकि बेन और ग्रेस केल को लेने यूरेका जा सके। इस तरफ मिकेला ने बेथनी से मिलने के लिए उसे ढेर सारे मैसेज किए। तभी जेरेड मिकेला को समझाने वहां आया कि मिकेला को रिजाइन नहीं देना चाहिए क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर बनकर पैसेंजर्स की ज्यादा मदद कर पाएगी। लेकिन जीक ने जेरेड को वहां से चले जाने के लिए कहा। इधर बेन और ग्रेस केल को लेने यूरेका पहुंचे, लेकिन केल ने वहां से जाने से मना कर दिया। उसने दावा किया कि वो डेल्फिन खतरनाक है और तभी उसे बहुत तेज दर्द होने लगा। बेन और ग्रेस ने जब केल की बॉडी पर जलने के निशान देखे तो ग्रेस ने सानवी को यूरेका में बुलाने के लिए कहा क्योंकि उसे सिर्फ सानवी पर ही भरोसा है और सिर्फ सानवी ही केल का इलाज करेगी। इस तरफ जेरेड और सारा ने इस बात पर चर्चा की कि वो सारा की माँ यानी कि मेजर के सिक्योरिटी वर्क्स को आज शाम को ओपन करेंगे। इधर यूरेका में बेन ने मिकेला को कॉल करके उसे केल के बारे में बताया। वही सानवी केल को देख रही थी। सानवी ने बताया कि उनकी कॉलिंग्स शिफ्ट हो रही है और केल की बॉडी पर एक ऐसा पदार्थ है जो उस डेल्फिन पर भी मौजूद है। बेन और सानवी ने तब वेंस और डॉक्टर गुप्ता से उस डेल्फिन पर हो रहे टेस्ट को बंद करने के लिए कहा क्योंकि केल की जिंदगी उस डेल्फिन पर निर्भर हो चुकी है। ये सुनकर वेंस को भी चिंता होने लगी और उसने डेल्फिन पर हो रहे टेस्ट रुकवा दिए। इस तरफ मिकेला और जीक बेथनी से मिलने गए। बेथनी इस बात से काफी निराश थी कि फ्लाइट 828 पैसेंजर्स को अलग नजरिए से देखा जा रहा है और उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। जब मिकेला ने बेथनी से उसकी कॉलिंग के बारे में पूछा तो बेथनी ने बताया कि उसने उसकी कॉलिंग में ईगन को प्लेन के इमरजेंसी डोर को ओपन करते हुए देखा था। बेथनी को डर है कि ईगन की वजह से वो सभी पैसेंजर्स मारे जाएंगे। इस तरफ जेल में ईगन ने एड्रियन को बताया कि बेन एनएसए वालों की मदद कर रहा है। तभी मिकेला पुलिस स्टेशन आई और उसने जेरेड से कहा कि उसे ईगन से बात करनी है। शुरू में तो ईगन ने मिकेला से बात करने से मना कर दिया और कहने लगा कि वो और बेन उनके दुश्मन है। वहीं मिकेला ने दूसरे सेल में एड्रियन को देखा और उससे उसकी कॉलिंग के बारे में पूछने लगी। इस पर एड्रियन ने बताया कि अब उसे कोई कॉलिंग नहीं आती। तब मिकेला ने ईगन से कहा कि वो उसकी कॉलिंग के बारे में ना बताकर उन सभी की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। तब ईगन ने कहा कि उसे सिर्फ इतना ही याद है कि उसने प्लेन का इमरजेंसी डोर खोला और उसे बाहर एक बड़ा सा काला पक्षी दिखाई दिया जो कि शायद एक कौवा था। ईगन को लगता है कि मिकेला को उन पैसेंजर से बात करनी चाहिए जो उसकी कॉलिंग में उनकी सीट पर मौजूद नहीं थे। इधर केल की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसे बुखार था और बेन केल को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसने सानवी से कहा कि उन्हें इसी वक्त उस डेल्फिन को डिस्ट्रॉय करना होगा। बेन और ट्रॉय उस डेल्फिन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में डिस्कस करने लगे। ट्रॉय ने बेन को उसका कोड दिया जिससे बेन को उस डिवाइस का एक्सेस मिल जाएगा जिससे वो उस डेल्फिन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बेन उस डेल्फिन को तबाह करने ही वाला था कि तभी उसे एक कॉलिंग आई। उसने खुद को समुद्र में पानी के अंदर पाया। उस पानी के अंदर वो डेल्फिन भी मौजूद थी। तभी बेन ने देखा कि कोई समुद्र के अंदर डूब रहा है, इसलिए बेन उसे बचाने के लिए पानी के और नीचे चला गया। बेन ने उस शख्स को पकड़ा और उसे दोबारा से समुद्र के सतह पर ले आया। फिर बेन जल्दी से वेंस और सानवी के पास गया और उन्हें बताया कि उन्हें डेल्फिन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है बल्कि उन्हें वो डेल्फिन वापस उसे समुद्र में फेंकनी होगी। बेन की यह बात सुनकर डॉक्टर गुप्ता ने उसे अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वेंस ने उसे रोक दिया। बेन ने उन्हें समझाया कि उन्हें वो डेल्फिन वापस समुद्र को देनी होगी जहाँ से वो उसे लाए थे।
वेंस ने बेन को याद दिलाया कि उसने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर उस डेल्फिन को यहाँ तक लाया था। बेन ने कहा कि वो उस समय गलत था और उसने वेंस से विनती की कि उसे बेन पर भरोसा करना ही होगा। इस पर वेंस ने बेन की बात मान ली। ठीक उसी समय बेन, ग्रेस और वेंस ने नोटिस किया कि उस डेल्फिन पर दोबारा से टेस्ट शुरू हो गए हैं। डॉक्टर गुप्ता ने उन्हें बताया कि उसने वेंस के सीनियर से इसकी परमिशन ले ली है। इधर बेन के घर पर मिकेला और जीक फ्लाइट 828 के पैसेंजर्स की लिस्ट चेक करने लगे, ये जानने के लिए कि मिकेला की कॉलिंग में कौन नहीं था। वहीं ओलिव उस बड़े काले पक्षी के बारे में रिसर्च करने लग गई। इधर जेल में एड्रियन को पूरा यकीन है कि बेन उन सभी को बचा लेगा। इस पर ईगन ने कहा कि बेन सिर्फ उसके परिवार को बचाना चाहता है और वो उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वहीं इस तरफ ओलिव को कुछ ग्रंथ मिले जिसमें ये मान्यताएं हैं कि नोआ असल में पूरी दुनिया का विनाशक था और उसने भगवान से बाढ़ लाने की प्रार्थना की ताकि पूरी दुनिया का विनाश हो जाए। ठीक उसी समय मिकेला और जीक को पता चल गया कि एड्रियन वो शख्स है जो मिकेला की कूलिंग में उसकी सीट पर मौजूद नहीं था। मिकेला भागकर पुलिस स्टेशन गई जहां जेरेड ने उसे बताया कि उन्होंने एड्रियन को छोड़ दिया है। फिर जेरेड घर आया और उसने सारा के साथ मेजर का वो बॉक्स ओपन किया। उस बॉक्स के अंदर एक पुराना मेडल और एक छोटा एनवेलप रखा हुआ था जिस पर सानवी का नाम था। उस एनवेलप में सानवी और मेजर के सेशंस के रिकॉर्डिंग थी। इधर मिकेला को एक कॉलिंग आई जिसमें एड्रियन प्लेन की दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। मिकेला ने एड्रियन से पूछा कि कौन मरने वाला है। इस पर एड्रियन पीछे मुड़ा और मिकेला ने देखा कि एड्रियन की आंखों से खून निकल रहा है। इस तरफ एड्रियन फ्लाइट 828 के पैसेंजर्स के साथ रैली निकाल रहा है जो सरकार और पुलिस के बर्ताव से परेशान है। ईगन ने घोषणा की कि बेन की वजह से सर्वनाश होने वाला है। तभी हमने एक फ्लैशबैक देखा, एंजेलिना एड्रियन से मिलने गई। एंजेलिना एड्रियन से भगवान के बारे में बात करने के लिए उसके पास गई थी। फिर हमने प्रेजेंट का सीन देखा जहां उन सभी 828 पैसेंजर्स में एंजेलिना भी शामिल है जो ईगन और एड्रियन के साथ उनकी रैली में मौजूद है। इधर यूरेका में वेंस ने डॉक्टर गुप्ता से वो टेस्ट रोकने के लिए कहा लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने मना कर दिया। तब केल ने अपने मोम से कहा कि उसे उन लोगों को दिखाना होगा तभी वो मानेंगे। ये कहकर केल ने ग्रेस को गले लगाया और कहा कि वो उसे बाद में वापस मिलेगा। इसके बाद केल भागकर उस डेल्फिन के पास गया और उसे छूते ही वो गायब हो गया और ये देखकर ग्रेस चिल्ला उठी। इस सीरीज के अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।